हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, एक कुर्ती पहनी हूँ इस टाइप का। इसीलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ मार्केट जाना है, सामने वाला मार्केट। शशांक का कुछ सामान, मम्मी का कुछ, सब मुझे लिस्ट दे चुके हैं तो वही लाना है। तो मैं जस्ट वेट कर रही थी कि रिद्धि का जब खेलने के टाइम होगा वो नीचे जाएगी और मैं उसी बीच में काम खत्म करके आऊँगी। तो दिन भर और कुछ नहीं की थी, सिंपल सा ही रूटीन था, मतलब जो लंच होने के बाद ऑफिस ये सब। तो मैं और शूट नहीं की, कुछ एंटरटेनिंग नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि हर दिन कुछ नया कुछ करने के, दिखाने के लिए, अदरवाइज आप क्यों देखेगो, तो देखना भी अच्छा नहीं लगेगा आप सबको। तो वही, अभी चलिए मेरे साथ मार्केट, मैं देखती हूँ जो जो लेती हूँ वो थोड़ा मार्केट आपको घुमा पाती हूँ कि नहीं। तो चलिए अभी निकलते हैं। तो मार्केट आ गई हूँ, अभी सब्जी एंड थोड़ा से फ्रूट्स ले लूंगी। हे गाइस, तो मैं सामने मार्केट तो गई थी, सब सब्जी वब्जी लेके आ चुकी हूँ। अभी खाना खाने में बैठ गई हूँ। तो आज का सिंपल सा है, सब्जी है, रोटी है एंड एक स्वीट्स है, तो सोयाबीन आलू का सब्जी है। अभी ये डिनर कर लूँगी, जिसका डिनर हो चुका है। अभी ये मोबाइल लेके बैठी है, खाने पीएगी। अभी मैं और मम्मी खा लूँगी, शशांक का भी हो चुका है, टाइम हो चुका है अभी 10 o'clock। तो अभी जल्दी जल्दी खा के सब ठीक ठाक करके फिर सोऊंगी। तो चलिए मैं डिनर कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुका है। मैं बॉटल में पानी थोड़ा सा भर के पी के थोड़ा सा बैठी थी 2-4 मिनट, उसके बाद राइस बैठाई हूँ। अभी सुबह के टाइम हुआ है 6:10, तो अभी मॉर्निंग वो सब कुछ भी नहीं बनाई हूँ, तो अभी पहले राइस बैठा देती हूँ। राइस होने में 10-15 मिनट लग ही जाता है मेरा, तो अभी जब तक राइस होगा तब तक मैं ये पोछा कर लूँगी। मेरा झाड़ू देना भी हो गया है, तो मैं पहले पोछा कर लेती हूँ एंड उसके बाद आपका थोड़ा सा बैठ के मॉर्निंग ड्रिंक पीऊँगी एंड हस्बैंड के लिए थोड़ा सा कुछ लंच का देखते हैं क्या बनाऊँगी। उसके लिए सिंपल सा कुछ बनाऊँगी, हमारे लिए कल बहुत सारा सब्जी दाल वो सब है, तो सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा बैठाऊँगी, राइस सबके लिए होगा। तो चलिए काम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। कैरेट कट हो चुका है, अभी कैप्सिकम पनीर को कट कर दूंगी और जल्दी जल्दी सब्जी बैठा दी हूँ। राइस मेरा ऑलमोस्ट डन एंड मेरा क्लीनिंग सब कुछ पूरा डन, तो देख सकते हैं क्लीनिंग व्लीनिंग सारा सब कुछ हो चुका है। एंड एज यूजल बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, इस टाइम बहुत अच्छा लगता है। आजकल बहुत हवा भी चल रहा है, मतलब गर्मी है बट हवा बहुत चल रहा है। तो दूर में जो एज यूजल पहाड़ देखती हूँ, बट आज उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाई मैं यहाँ पे, तो क्योंकि जल्दी जल्दी सोची गई काम ख़त्म करते हैं, तो बस यही था। तो अभी मैं पनीर को फ्राई करूँगी। पनीर को जस्ट थोड़ा से रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट के साथ मैरिनेट करके थोड़ा सा फ्राई करूँगी। आप ऐसे अगर फ्राई करते हो पनीर को, तो एक बार ऐसे प्रोसेस में ट्राई करके देखो कि कैसे टेस्ट एनहांस होता है इसका, तो बहुत सुंदर लगता है। बच्चे के लिए अगर करोगे तो ऑब्वियसली नहीं, बट ऐसे अगर बड़ों के लिए ये सब्जी बना रहे हो, कुछ भी पनीर का रेसिपी बना रहे हो, तो ऐसे करके स्प्रिंकल कर दो। एंड अभी मैं इसको थोड़ा से इसको फ्राई करूँगी पनीर को रेड रेड होने तक, तो इससे क्या होता है पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो अभी मैं पनीर को फ्राई कर दूँगी, राइस हो चुका है, दूध भी गर्म हो गया है, तो बस सब्जी करूँगी एंड ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो चलिए अभी कर लेते हैं जल्दी जल्दी में।
हल्दी एंड सॉल्ट दे चुकी हूँ, तो ये थोड़ा सा इतना जिंजर पेस्ट एंड ये एक टमाटर, इसको काट के दे दूँगी। तो बस और कुछ नहीं है, तो अभी इसको चलिए कर लेते हैं, इसको अच्छा से मिलाना होगा। चलिए इसको बना लेते हैं। तो टमाटर डाल के अच्छे से मिला ली हूँ। अभी थोड़ा सा धनिया, धनिया कुटी हुई धनिया थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसमें, एंड इसको अच्छे से मिलाने के बाद और थोड़ा सा जीरा पाउडर देने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भूनना है, जब तक इसका सब मसाला का रॉस मिल अच्छे से चला नहीं जाता है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा जीरा पाउडर मिक्स करती हूँ। तो अभी थोड़ा सा बस इतना थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के अभी इसको और अच्छे से मिलाना है एंड थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिलाऊंगी। तो चलिए पानी डाल देती हूँ। तो मेरा राइस शाम के लिए पूरा रेडी हो चुका है, सब्जी भी ऑलमोस्ट भूनने लगा है, मसाला अभी तक भुना नहीं हुआ है, तो इसको मैं और थोड़ा सा पानी डाल के भूनूंगी, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है सब्जी का रॉस नहीं चला जाता है। एंड भूनते भूनते मैक्सिमम मतलब वो जो है वो भी बॉयल हो जाता है, तो उसको कवर करके ज़्यादा टाइम नहीं रखना पड़ता है। तो यही है हमारे लिए ऐसे राइस रखी हूँ, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, मम्मी को ये सब राइस पसंद नहीं है। ऑब्वियसली मतलब पहले जिन लोग रहते थे उन लोगों को ये प्लेन राइस ही पसंद है, एंड शशांक को प्लेन राइस पसंद नहीं है। तो अभी दो दो करना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए ये किसी के लिए वो, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, राइस रख देती हूँ हमारे लिए, मुझे कभी मन हुआ तो मैं ऐसे राइस लेती हूँ, अदरवाइज प्लेन राइस भी लेती हूँ। एंड शशांक को बिल्कुल भी प्लेन राइस पसंद नहीं है, मतलब बाहर जाने से वो बोलते हैं कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है बाहर वो तो चावल डावल ये सब खाने के लिए, तो ये देने से क्या होता है स्पून में वो जल्दी इजीली हो जाता है, तो मैं उसके लिए कर दी हूँ। एंड हमारे लिए सब्जी में रख दूँगी, बाद में थोड़ा सा दाल पापड़ ये सब कर दूँगी, और थोड़ा सा सब्जी है कल का बहुत सारा, तो अभी बस पनीर को भी मिला दूंगी। तो वही मतलब मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, अदरवाइज मतलब बार बार करना मुश्किल है, क्योंकि एक ही टाइम के अंदर मुझे मैं ट्राई करती हूँ सब कुछ करने के लिए, बार बार किसी के लिए ये उसके बाद ये, तो दिन भर लगेगा कि मैं कुकिंग ही कर रही हूँ। तो वही बस उसके लिए मैं चाहती हूँ कि उसके बाद मुझे कुछ मतलब आना नहीं पड़े किचन में, जस्ट बेटी के लिए एक बॉयल वो सब करना नहीं, बैठाने से 2-3 मिनट ही लगता है। तो बस चलिए अभी मैं सब कुछ करके किचन को क्लीन करती हूँ, किचन का हाल बहुत बुरा हो गया है एंड अभी तक भी मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक्स नहीं ली। अभी आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दी हूँ अभी, अदरवाइज ये सब्जी में गरम मसाला बाद में अच्छा नहीं लगता। तो बस अभी ये हो चुका है, अभी मैं इसको फ्लेम थोड़ा सा लो करके कवर कर दूँगी जब तक आलू बॉयल नहीं हो जाता है, आलू एंड गाजर। तो चलिए अभी मैं फ्लेम को कम कर दी हूँ। तो अभी मैं क्या की हूँ, ऊपर मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी स्प्रिंकल कर दी हूँ, मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में भूल गई थी, स्टार्टिंग में देने से ही उसका स्मेल मतलब ज़्यादा अच्छा आता है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। अभी मैं इसको कवर कर दूँ, पनीर भी मिला दी हूँ, अभी इसको कवर करके रख दूँ। मेरा ऑलमोस्ट डन, मैं अपना जो मॉर्निंग टी अभी जस्ट ली हूँ, किचन टॉप क्लियर की हूँ, अदरवाइज बहुत इरीटेट लगता है मुझे ये सब्जी, और थोड़ा सा बॉइल होने में बाकी है, इन द मीन टाइम मैं ले लूँगी एंड ये वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं स्मूदी बना लूँगी। तो बनाना दे दी हूँ, अभी कर्ड दे दूंगी, एंड 2 आलमंड, आज डेट नहीं है उसीलिए 2 आलमंड ही दूंगी, एंड बाद में मैं चिया सीड मिक्स कर दूंगी। तो चलिए मैं इसको स्मूदी कर लेती हूँ। तो ये डन, अभी मैं चिया सीड को मिक्स करूँ, मिक्स कर चुकी हूँ, तो बस अभी शशांक आने से मैं इसको दे दूँगी। तो अभी
टिफिन पैक कर देती हूँ, ऑलरेडी 7:30 हो चुका है। तो मेरा सारा क्लीन हो चुका है, अभी ये कुछ बचा है तो मैं इसको क्लीन कर दूंगी। ऑल डन। अभी जस्ट एक्वागार्ड में पानी लेके मटका में डाल दूंगी, वो हम लोग पीते हैं ठंडा लगता है। तो बस अभी कुछ नहीं, टिफिन पैक करूंगी एंड रिद्धि को उठाऊंगी। मम्मी जस्ट उठ के गई है फ्रेश होने, तो अभी मैं इसको उठाने जाऊंगी। तो ये पूरा ठंडा हो चुका है, तभी पैक कर देती हूँ। चलिए तो बस मेरा काम खत्म, अभी जाके रिद्धि को फ्रेश करा दी हूँ, उसके साथ थोड़ा से बात करूंगी एंड उसके बाद मैं फ्रेश होके चाय पीऊंगी। अभी दोनों का चल रहा है, ये नहीं उठेगी और ये उठेगी। उल्टी बोलो तुम उठो, लिफ्ट का देखा दे पापा जैसे मत चलना। बाबू দাদা চলে এসছে, কিন্তু আর চকলেট গুলো দিয়ে দেবে, চকলেট গুলো দিয়ে দেবে, দুটো বড় বড় কিটক্যাট এনেছে আর মিল্কি বার এনেছে। মুঝে নেই লাগতা কি ইয়ে কবি স্কুল যা পাইগি, আবি অলমোস্ট 8 হোনে যা রাহা হ্যায়। सुबह सुबह पूरा मूड ऑफ हो गया है, इतना टाइम तक तो पूरा ठीक थी, अभी सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया है। कुछ क्यों मूड ऑफ हुआ? हाँ मूड ऑफ क्यों हुआ? एक्चुअली आज अभी बोल के गया है कि फिर से 4 घंटे के लिए आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। है कि कल भी नहीं था, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं की थी। कल नहीं था, ठीक है, नहीं था, पता नहीं अभी आएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा दिन भर गया कल, और आज भी नहीं रहेगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं वही सोचा को बोल रही हूँ कि जब तुम ये अपार्टमेंट लिए थे, भले ही वो 1 साल के लिए लो, जो भी लो, तो पूछोगे नहीं कि पावर बैकअप है कि नहीं। बोल रहे कि कभी भी यहाँ पे जाता नहीं है। अरे जाता नहीं है तो इमरजेंसी केस तो हो ही सकता है। उसको क्या है, अभी तो चला जाएगा और आराम से जाके वहां पे एसी में बैठेगा। बस चलो हम लोग देखते हैं। अभी मेन ये है कि मतलब रिद्धि अभी बाहर कहीं खेलने नहीं जा रही है ना, दोपहर बहुत धूप हो रहे हैं, तो वो ना ही कार्टून देख पाएगी, ना ही कि 4 घंटा बच्चे को रखना बहुत मुश्किल है। हे फ्रेंड्स, तो अभी फ्रेश होके आ चुकी हूँ, तो अभी टाइम हो चुका है 9:00, तो इसका आज मिस नहीं आएगी, तो इसको मैं पढ़ाने बैठी हूँ थोड़ा से। एंड थोड़ा से मूड ऑफ हो गया है कि कल भी अचानक से करंट गया, तो लगा कि हाँ चलो 10:00 गया है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। ऐसे ऐसे करके बहुत टाइम गया गया गया, आया ही नहीं। इतना गर्मी हो रहा था बाहर के धूप के वजह से, हवा चल रहा है बट फिर भी गर्मी हो रहा है, ये भी बदमाशी कर रही है, ऐसे करके पूरा करंट आया है 4 घंटा बाद। एंड आज सुबह भी बोल रहे हैं कि ऐसे टाइप का होगा, तो मतलब बहुत इरिटेट लग रहा है। देखो सुंदर हो चुके, जाओ खूब सुंदर हो चुके, करे जाओ, पूरा करे जाओ, पूरा करे जाओ, करे जाओ, कंप्लीट करो। वेरी गुड, ওরা বাঁকা হলো একটু ফোরটা, ঠিক আছে কর, তারপর কর নেক্সট, কর নেক্সট, কর ফাইভ, কর না ফাইভ এমনি আছে, ফাইভ কেমন এমনি এমনি, তারপরে হ্যাঁ এটা যে চলো তুমি এখানে ফাইভ করো, এখানে ফাইভ করে দাও, ওটা হয়নি, এটা ব্যাড হয়েছে, নাও এখানে ফাইভ করো, আচ্ছা ওখানে ফাইভ করো, পাশে ফাইভ করো, শেষ করো, সেভেন কর, তারপর ওইখান থেকেই হবে টান, ওই ওই কর্নার থেকে, হ্যাঁ ফাইভটা এখানে লিখে দেখো, ফাইভটা এখানে করে দেখো, করে দেখো ফাইভটা, করে দেখো স্লিপিং, করে দেখো, করে দেখো ফাইভ স্লিপিং স্ট্যান্ডিং করে কার, করে দেখো, তারপর স্ট্যান্ডিং, স্ট্যান্ডিং কার এখানে,
वेरी गुड। चलो हाँ टजे पूरा बैठ तू पूरा कंप्लीट कर। चलिए वीडियो को आज यहाँ पे एंड करती हूँ। करंट ऑलरेडी चला गया है, अभी जस्ट गया करंट, अभी देख सकते हैं पंखा अभी घूमना बंद हो गया है, अभी अब लगता नहीं है कि करंट आने वाला है, तो जैसे कि है वैसा टाइप का होगा। तो 10 o'clock गया है, तो अभी बस थोड़ा सा मोबाइल में चार्ज दी थी। जो भी हो तो मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर की हूँ कि कैसे क्या की हूँ कल, मतलब शायद कल दोपहर से स्टार्ट की थी या पता नहीं रात से ब्लॉग चल रहा है, मैं भूल भी जाती हूँ। तो चलिए किसी भी रीज़न में अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज वीडियो जब पोस्ट होगा तो आज फ्राइडे है, कल से इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, तो प्लीज़ प्लीज़ वॉच कीजिए वीडियो को। तो चलिए आज अभी इसका बदमाशी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि और तो करंट वो सब भी नहीं है। तो चलिए मैं कल मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।